वरिष्ठ भाजपा नेता रणधीर लठवाल की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेसिडेंट हरियाणा प्राइमरी एसोसिएशन जिला सोनीपत और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं सुनील कुमार जी। घटना घटी है, हाँ जी, उसके बारे में जिस तरह से निकल के सामने आया, हाँ जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जिस तरह स्टाफ की कमी होती है ना, बोर्ड ड्यूटी लगाता है सर, कभी प्राइवेट स्कूलों वालों की लगा देता, कभी औरों की लगा देता है, और कुछ टीचर ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाते, उसके भी आप फिर बीओ साहब स्टाफ अवेलेबल कराते हैं सुपरिटेंडेंट को। और ये हमारा साथी है ना, वहाँ पर रबड़ा ड्यूटी दे रहा था, और जब ये ड्यूटी देते टाइम आपको पता है पर्चे ये पेपर बांटने पड़ते हैं, एक एक लाइन में 24 बच्चे होते हैं, और वहाँ पर जो रबड़ा हमने सिचुएशन देखी है, वहाँ पर क्यों जाली भी नहीं है और खिड़की फाड़ रखी है, बाहर से कोई फोटो खींच ले तो उसमें अध्यापक क्या कर सकता है? पहले तो वो जो एलिमेंट आया है वहाँ तक फोटो खींचने के लिए, वो कैसे आया, किसने आन दिया वहाँ पे? पुलिस की व्यवस्था पूरी फोर्स क्यों नहीं थी? वो दुरुस्त होनी चाहिए पहले तो। टीचर का काम है कमरे को संभालना, न कि बाहर वालों को रोकना। बाहर वालों को रोकेगी पुलिस, पुलिस का पूरा प्रशासन है वो पूरा हमें उपलब्ध करवाए, और ताकि उसमें फिर हम ठीक तरीके से काम कर सकें। उसके बाद पेपर में जब ड्यूटी होती है अध्यापक की, उसको सिग्नेचर भी करने पड़ते हैं, सारी सिग्नेचर शीट भी भरवानी पड़ती हैं। अतः अगर हर बच्चे का ये उसने रोल नंबर ठीक लिखा कि नहीं, उसने अपना क्या क्या किया है वो सारा चेक करना पड़ता है, तब उसने वो जो आंसर शीट है उस पर साइन करने पड़ते हैं, अपना नाम लिखना पड़ता है। ये भी एक एक 24 बच्चे हैं, एक बच्चे के चेक कर रहा है तो मेरा मजेबिटी अध्यापक हूँ और हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन से बिलोंग करता हूँ और जिला प्रधान हूँ सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। जिस तरह से आज ये टीचर गिरफ्तार किया तो उस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप महासचिव ने? ये सर सरासर गलत कार्रवाई की जा रही है प्रशासन द्वारा और हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा, क्योंकि उसमें टीचर का जरा सा भी दोष नहीं है, क्योंकि उसका काम है कमरे के अंदर पेपर बांटना, वो अपने अच्छी तरह से पेपर बांट रहा था, किसी शरारती तत्व ने खिड़की के पास जाकर उसकी फ़ोटो उतार कर बोर्ड की मेल कर दिया, और उसके बोर्ड की तरफ से आके कुछ अधिकारियों ने आके कह दिया कि टीचर का दोष है। अरे ये दोष टीचर का नहीं है, बाहर जो खड़े हैं अगर वो खिड़की तक पहुंचता है तो वहाँ की ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए थी, किसी भी तरह वो शरारती तत्व खिड़की के पास ना पहुँच सके, और अगर ऐसा हो जाता तो ना जी आज की घटना होती। कल भी इसी तरह हुआ कि एक अध्यापक को दोषी माना गया, जबकि हमारा टीचर बिल्कुल निर्दोष था। अगर इसके खिलाफ भी अगर कोई भी कार्रवाई की जाती है पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा या शिक्षा बोर्ड द्वारा, तो आने वाली सभी परीक्षाओं का हसला और हमारा अध्यापक संघ और हमारा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा। आपको बता दें कि ये पूरा मामला है गोहाना से संबंधित, जहां पर रिंढाणा गांव में सरपंच और एक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया नकल करवाते हुए, जिसके बाद कार्रवाई हुई है और शिक्षक को भी जो है वो आरोपी बनाया गया है जो वहां पे परीक्षा ले रहा था। और इन इस सब कार्रवाई के बाद जो है रिंढाणा समेत रबड़ा गाँव का जो सेंटर है वो रद्द कर दिया गया है, दूसरी जगह उनको बदल दिया गया है। तो इसी रोष स्वरूप जो है वो शिक्षक देर शाम इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि ये इस तरह की कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि शिक्षक एक परीक्षा करवाता है तो बहुत सारे काम होते हैं, बाहर जो गदर हो रहा है उसके जिम्मेवार शिक्षक नहीं है। तो क्या मानते हैं, क्या निर्दोष हैं, क्या मोबाइल से लगातार वायरल तस्वीरें थी? टीचर के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है सर, और जैसे वो पेपर देता है क्वेश्चन पेपर आंसर शीट देने के बाद है, उसके बाद प्रत्येक बच्चे के साथ कोड मिलाना पड़ता है, और जैसे ही उसकी खिड़की के नहीं है ना ही वहाँ पर जाली लगी हुई है, तो कोई भी बाहर की इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि बाहर के गदर को जो है ना कोई दूर कर सके। टीचर एक बच्चे को देता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, लाइन में 5-7 बच्चे होते हैं, तो इतना वापस मुड़ता है, इतना खिड़की में से कोई भी कुछ कर सकता है सर, ऐसा ही वहाँ पर हुआ है। खिड़की में कार्रवाई होती बाहर से, क्या सर कार्रवाई होती है अगर टीचर पे क्या क्या निर्णय लिया जाएगा एसोसिएशन द्वारा? तो बहिष्कार करेंगे सर, बहिष्कार करेंगे, फिर ऐसे ड्यूटी जाने का फायदा क्या सर? ड्यूटी पर नहीं जाते हैं तो एक्सप्लेनेशन आती है, भाई ड्यूटी क्यों नहीं दी, जाते हैं तो ऐसे बाहर का गदर नहीं रुका है तब तक ऐसे बात हो नहीं, कोई व्यवस्था नहीं सर। किसकी कमी मानते हैं? कमी तो बाहर की सिक्योरिटी की है सर सबसे ज़्यादा, जब को आदमी नहीं जाएगा तो पेपर पीसफुली, अंदर बिल्कुल शांत माहौल था, ये रिपोर्ट में भी लिखा गया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतपाल है।
बहरहाल फिलहाल तो शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी प्रकार की कार्रवाई जो है वो शिक्षक पर होती है तो कहीं ना कहीं परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे, लेकिन जो नकल दिनों दिन हो रही है उस पर नकेल कसनी बेहद जरूरी है। बोर्ड की परीक्षाओं में बाहरी हस्तक्षेप नहीं रुक रहा है। रबड़ा वरिंडाणा गांव में परीक्षाओं के दौरान अनियमितता पाई गई, जिसके चलते परीक्षा केंद्र को बदला गया। रिंडाणा गांव में परीक्षा के दौरान गांव सरपंच व ड्यूटी पर मौजूद अध्यापक की संलिप्तता के चलते दोनों को बड़ौदा थाना पुलिस जेल भेज दिया गया। दूसरी तरफ रबड़ा गांव में बाहरी हस्तक्षेप के चलते सेंटर को शहर में शिफ्ट कर दिया गया। गोहाना उपमंडल SDM आशीष वशिष्ठ ने बताया कि बोर्ड की परीक्षाओं को नकल रहित बनाने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र के सभी सेंटरों का निरीक्षण किया जा रहा है। रिंडाणा व रबड़ा गांव में सेंटरों पर लगातार अनियमितता पाई गई। रिंडाणा गांव के सरपंच व सेंटर पर ड्यूटी व अध्यापक ने पेपर आउट किया, जिसके चलते रिंडाणा गांव रबड़ा गांव के सेंटर को गोहाना शहर में शिफ्ट कर दिया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से गोहाना के उपमंडल अधिकारी SDM आशीष वशिष्ठ जो हैं वो परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं लगातार। और ये कुछ तस्वीरें जो है अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये रबड़ा समेत अनेक ऐसे गांव की हैं जहां पर बाहरी हस्तक्षेप जो है वो लगातार जारी है, और लाख कोशिशों के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिसके चलते जो है वो अनेकों जगह पर परीक्षा केंद्र बदले जा रहे हैं, परीक्षा जो है वो शहर में सेंटर बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, दीवार फांदकर जो है वो अंदर तक जो है वो पर्चियां पहुंचाने का काम कर रही हैं, नकल पहुंचाने का काम कर रही हैं। ये देखिए तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि किस तरह के हालात हैं। हालांकि प्रशासन सख्त है, आप देख सकते हैं पुलिस मुलाजिम जो हैं वो भी सख्ती से निपट रहे हैं और कह रहे हैं कि व्यर्थ में यहाँ पर आप आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं, जिसके चलते जो है परीक्षा रहित और नकल रहित परीक्षाएं करवाने का जो है वो संकल्प कहीं ना कहीं धुंधला हुआ नजर आता है। लेकिन प्रशासन सख्त है और इस सख्ताई की वजह से जो है इस बार हम हर साल परीक्षाएं देखते हैं, लेकिन इस बार जो है काफ़ी हद तक जो है वो इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई गई है। बस आप क्यों करें दो हम? अच्छा सारे आपके रैंड दोन है, आपके एरिया जितना बदनाम कोई है भी को नहीं। हेलो ओ सर तो कहते तो सुनी वो है ना आवाज स्ट्रॉन्ग रूम तक तो पहुंच गई थी कटर लेके गैस कटर से, और फिर वो है ना उन्होंने क्या किया जो लोग था ना लोग काटने लगे, फिर उसे आगे नहीं बढ़ पाए, फिर वो सामान छोड़ के भाग गए। हाँ फोटो डिपार्टमेंट ने है ना अब लेटर डाल के ये पूछा भाई उस टाइम पे है ना इनकी तनख्वाह क्यों नहीं काटी गई 33। अब उसके वो है ना कार उसके बारे में वो हड़ताल के बाद हो गए सर 33 साल सर, उसमें से हाँ जी उसमें से है ना कुछ तो लेक्चरर थे ना जो उस टाइम के हड़ताल में थे कुछ तो रिटायरमेंट हाँ जी बस सर ये मैं पहले ये पहले डाल दूँगा सर Thank you.
रिंडाना दो सेंटर तोड़े गए हैं नकल को लेकर, एजुकेशन में नकल चल रही थी, तो इसको कौन से सेंटर हैं, कहाँ इनको दिया गया? रिंडाना के अंदर कुछ ऐसी आउटर एक्टिविटीज़ मिली हैं जिसके अंदर वहाँ का सरपंच और कुछ स्टाफ मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व मिले थे, तो उसमें उन सेंटर्स को शिफ्ट कर दिया गया है, उसको JLN स्कूल गोहाना के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। और सर रबड़ा गांव का भी ऐसा ही कुछ मामला सुना? हाँ, रबड़ा गांव का भी है मैटर जिसके अंदर कुछ आउटर एक्टिविटीज़ थी जिसमें कुछ बाहर से बहुत ज़्यादा जो क्राउड है वो इकट्ठी होती है, तो इस वजह से उस सेंटर के लिए भी बोला गया है कि उसको शहर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। हाँ, कुल मिला के एक सेंटर का तो हो ही गया है कन्फर्मेशन, दूसरे सेंटर के लिए अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं और बोर्ड हरियाणा बोर्ड जो है वहाँ भिवानी से एक बार बात करके उसकी कन्फर्मेशन कर दी जाएगी।